भाई राम राम, नमस्कार। प्रगतिशील किसान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये आयसर वालों ने नया ट्रैक्टर निकाला है, आयसर 188 छोटू के नाम से। तो ये भाई साहब हैं हमारे जो आयसर की कंपनी से आए हुए हैं, ये आपको किसान भाइयों को जानकारी देंगे। लो सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले आयसर परिवार की तरफ से मैं सारे किसान भाइयों को नमस्कार बोलता हूँ। मैं आपको छोटू ट्रैक्टर के बारे में कुछ विशेषता बताना चाहता हूँ। ये हमारा 18 HP श्रेणी का एयर कूल ट्रैक्टर है। इसकी खास बात यह है कि एयर कूल सीरीज का ट्रैक्टर है, और एयर कूल ट्रैक्टर जो होता है वाटर कूल के कंपैरिजन में इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और इसका मेंटेनेंस खर्च जो होता है वो बहुत कम होता है जी। 18 HP श्रेणी में ये साइड शिफ्ट गियर ट्रैक्टर है, जिसके सेंट्रल गियर जो ट्रैक्टर होता है उसमें दिक्कत क्या आती है, इसको बैठने में निकलने में वो दिक्कत आती है। साइड शिफ्ट गियर है और एयर कूल इंजन है इसका 18 HP श्रेणी का ट्रैक्टर है। दूसरी चीज़ क्या है, इस ट्रैक्टर की जो टर्निंग रेडियस है, टर्निंग रेडियस का मतलब क्या होता है, कटान जो होता है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे ट्रैक्टरों के कंपैरिजन में। जहाँ छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, जो हमारे भाई गिट्टी वालों का काम करते हैं या जिनको छोटी छोटी गलियों में सामान पहुँचाना होता है, उस केस में क्या होता है, आपको छोटी गलियों में ट्रैक्टर को काटना होता है। इस ट्रैक्टर की जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये छोटी सी छोटी गली में आपके सामान को लेके कट जाता है। दूसरा क्या है, इस ट्रैक्टर में फ्यूल खर्च, जो तेल का खर्च है सर के लिए, ये तो कहीं से कोई द्वारा आएगी, इस ट्रैक्टर का जो तेल खर्च है वो सबसे कम है। ये ट्रैक्टर 3 फुट तक का आपकी रोटरी भी चला सकता है। जो बागानों की खेती होती है, बागानों के लिए ट्रैक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि इसकी अगर जुताई करनी हो, बागानों में क्या होता है छोटे ट्रैक्टर की जरूरत होती है जो पेड़ों से न टकराए, जी जी, उस केस में ये ट्रैक्टर परफेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या है, आप छोटी रोटरी भी चला सकते हो, जो हमारी कंपनी देती है 3 फीट की रोटरी आती है, और आपका 5 टाइम का कल्टीवेटर आता है, जिससे आप कल्टीवेशन में इसका पूर्णतम उपयोग कर सकते हो। दूसरी इसकी सबसे खास बात क्या है, ये एकमात्र इस श्रेणी का ट्रैक्टर है जिसमें OIV है। OIV का मतलब क्या होता है, तेल में डूबे हुए ब्रेक जी। अदर ट्रैक्टर में क्या होता है, जो ब्रेक आते हैं वो सूखा ब्रेक आता है, ये इस श्रेणी का एकमात्र ट्रैक्टर ऐसा है जिसके अंदर तेल में डूबे हुए ब्रेक आते हैं। तीसरी सबसे खास बात मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ जी जी। इस ट्रैक्टर में क्या है, मानते हो चलो आपको छोटा ट्रॉली लगाना है, ट्रॉली लगाने के लिए कई बार क्या होता है, हमको वाल्व लगवाना पड़ता है अलग से, जिसमें अतिरिक्त खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है। लेकिन इसमें क्या है, आपका ये वाल्व लगा हुआ आता है, आप इसमें हाइड्रोलिक छोटा वाला ट्रॉली यूज कर सकते हो, कहीं पे भी आपको अगर माल खलाना है। इसमें क्या है, लेबर का खर्च बचता है, आप लेके जाइए अपना हाइड्रोलिक ट्रॉली ज्वाइन करिए, तुरंत खला के वहां से चल दीजिए। इसकी जो हाइड्रोलिक है, सबसे एक और खास बात है, दुनिया की सबसे बेस्ट हाइड्रोलिक में एंटी हाइड्रोलिक आती है। दूसरी हाइड्रोलिक क्या होती है, वो 40 से 45 जगह काम करती है, मतलब लिफ्टिंग जो करेंगी वो 40 से 45 स्टेप में काम करती है। लेकिन ये हाइड्रोलिक जो है ये 360 जगह काम करती है, मतलब 365 जगह पे ये हाइड्रोलिक काम करती है। तो इस केस में क्या होता है, हाइड्रोलिक फेल्यूर के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। जी जी। दूसरी सबसे खास बात क्या है, अदर ट्रैक्टरों में क्या होता है, ये जो बिर्थ होती है, जो ट्रैक बिर्थ होती है, मान लो हमें गन्ने के ट्रेंचर मशीन में चलाना है, ट्रेंचर मशीन में क्या होती है, हमको ट्रैक बिर्थ चेंज करनी होती है। इसमें क्या होता है, हम इसकी रिम को घुमा के लगा सकते हैं, तो इससे हाँ इसको हम दोनों साइड से घुमा के लगा देंगे, तो इसके ट्रैक जो है 6 इंच आप अप डाउन कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। क्यों, ट्रॉली के केस में क्या होता है, जब ट्रैक जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा उतना ही अच्छी उसकी पुलिंग पावर होगी, ट्रैकिंग अच्छी आएगी, लेकिन ट्रिंचिंग में जितना ज्यादा सकरा रहेगा वो आराम से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जी। एक और बात है, जनरली क्या होता है, ट्रैक्टरों में बैटरी जो होती है वो साइड में लगी जाती है। जी, जी। साइड में बैटरी होने पे क्या होता है, एक तो चोरी होने का डर रहता है, जनरली लोग साइड में जो बैटरी होती है उसको फोड़ देते हैं। तो इस ट्रैक्टर में क्या है, जो बैटरी जो दी गई है वो आपके अंदर की साइड दी गई है, ये बैटरी इसकी आगे रखी हुई है। जी, दूसरा जी। क्या होता है, गर्मियों में क्या होती है, बैटरी ठंडी रहती है, मान के चलो इसका आगे से हवा लगती है, हवा लगती है, बैटरी ठंडी रहेगी तो जो तो आपके बैटरी खराब होने के चांस कम है। हाँ, बैटरी की लाइफ ज्यादा होती है, खराब नहीं होती। दूसरा क्या होता है, ट्रैक्टर की बैटरी चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। तीसरा क्या होता है, इसकी बैलेंसिंग उस हिसाब से की है, इसकी लिफ्टिंग सबसे कम है, मान के चलो हम हैवी लोड पे लेके चल रहे हैं, छोटे ट्रैक्टर क्या होते हैं वो उठ जाते हैं आगे से, लेकिन ये ट्रैक्टर क्या है, एंटी लिफ्टिंग है, लिफ्ट नहीं करता बहुत जल्दी, लिफ्ट होकर इधर उधर साइड में नहीं भागता। जी जी। इसका मफलर अंदर ही कर दिया। हाँ जी, और ये कवर भी कर दिया आपने। हाँ।
इससे क्या तरीके से शिफ्ट हो सकता है, ऊपर आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं जी जी, अगर ड्राइवर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे सर जिन्होंने इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी है। चलो एक बार आपको इसको स्टार्ट करके दिखा देते हैं हम। सर एक बार इसको स्टार्ट कर दो। वही ट्रैक्टर का भाई सर का भरोसा, ट्रैक्टर की आवाज़ कितनी शानदार है। ये हमारे भाई साहब थे सर, थोड़ा इसको आगे पीछे चलाना, आगे पीछे चलाओ। इसमें 8+2 गियर बॉक्स है। तो ये था सर 188, ये सर कंपनी से आई। तो ये सर एक बार सर इसके हाइड्रोलिक दिखा दो, कितने सूट हम वहाँ कर पाएंगे जी। हाइड्रोलिक कंट्रोल बहुत है, क्या बात है, जितना आप इसको कंट्रोल करना चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था सर 188, ये जो इसका मीटर है डिजिटल मीटर है, ये डिजिटल मीटर है इसका, और ये आपका स्मार्ट क्लस्टर है। जवाब देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।